हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा गुप्ता, पीएचडी किया हुआ है, यूजीसी नेट क्लियर है, एमबीए मैंने एचआर से किया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ और अभी आप लोगों के लिए एजुकेटर हूँ जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रिपरेशन कराती है डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं चैनल पर, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके इंटरव्यूज के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल पर। तो चैनल पर जाइए, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम सभी जानते हैं मोटिवेशन थ्योरी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी में से एक टॉपिक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, दैट इज द ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मोटिवेशन की थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, मोटिवेशन से जुड़े हुए और भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट अभी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एवरी ईयर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनटी, यूजीसी नेट, एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्या कहती है ये मोटिवेशन थ्योरी। तो नाम से ही क्लियर हो चुकी है पहली चीज तो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी हुई है। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय द विक्टर एच ब्रूम। ये इन्होंने, विक्टर एच ब्रूम ने ये थ्योरी आपको दी हुई है 1964 में, और इसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिस इज द अनदर नेम। ओके, इसे ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपकी जो है, ये किसने दिया है? विक्टर एच ब्रूम ने दिया हुआ है। सबसे पहली चीज है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरी है, मतलब कैसे एक पर्सन मोटिवेट होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, कि कैसे वो मोटिवेट हो रहा है, किन चीजों से वो मोटिवेट हो रहा है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अवर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन मेकिंग द कॉन्शियस चॉइस फ्रॉम द सेट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव बिहेवियर्स। बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से हम किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को चूज करते हैं और उसके बेस पर अपना आगे का टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यही चीज यहाँ पर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बताई गई है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है द बिहेवियर वी चूज विल ऑलवेज बी द वन That maximize our pleasure and minimize our pain. हम क्या चाहते हैं, हमारा motivation कब मिलेगा? Motivation इंसान को तब मिलता है जब उसके पास खुशी ज्यादा होती है ना, खुशी maximize होगी और जो उसके गम होंगे वो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तभी मिलेगा। तो ये expectation theory भी यही कह रही है कि जब भी हम कोई task करते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे बिहेवियर को चूज करते हैं जिससे कि हम अपनी प्लेजर यानी कि अपनी खुशी को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके, और जो भी हमें जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सके। दिस इज द मेन फंडा रिगार्डिंग द ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब इसमें ना मैंने वो सारी चीजें आपको ऐड की हुई है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछी जाती हैं। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स होते हैं विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वो थ्री एलिमेंट्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी, द सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड द थर्ड वन इज बैलेंस। क्लियर, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस, ये तीन आपके यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं जो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब देखो ये बनते कैसे हैं, ये जो आपके यहाँ पर जो तीन एलिमेंट दिए हैं ये एलिमेंट कैसे बने हैं इनके बारे में बताया जा रहा है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सपेक्टेंसी किससे मिलकर बना है? तो जो भी हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो आप अपने जो आप परफॉर्मेंस देने वाले हो यानी कि जो आप एग्जाम देने वाले हो, इन दोनों को मिलाकर आपकी एक्सपेक्टेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, किससे? आपके एफर्ट्स से और आपके परफॉर्मेंस से, है ना। जितना भी आपने एफर्ट्स लगाया, जो परफॉर्मेंस आपकी आई है उससे आपकी एक्सपेक्टेंसी तैयार हो रही है। फिर सेकेंड बात आती है कि भाई जो हमारा परफॉर्मेंस है और जो हमारा आउटकम है, ये दोनों मिलकर हमारी इंस्ट्रूमेंटलिटी बनाते हैं, है ना। बोले मैम इनका मतलब क्या होता है?
यही समझ क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस, यही इनके मतलब भी है। अभी आगे वाली स्लाइड्स में आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि वैलेंस क्या है। तो जो हम आउटकम के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, लाइक जो हमारा आउटकम है, आउटकम एज लाइक रिजल्ट, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट है दैट इज आवर वैलेंस। तो एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस मिलाकर हमारी एक्सपेक्टेंसी हो रही है, परफॉर्मेंस और आउटकम मिलाकर इंस्ट्रूमेंटलिटी आएगा, और हमारा जो आउटकम है दैट इज आवर वैलेंस, और इन तीनों को मिलाकर हमारा मोटिवेशन जो है वो क्रिएट होता है। किसी भी टास्क को करने का मोटिवेशन इन्हीं के बेस पर हमको मिलता है, हमारे एफर्ट्स, परफॉर्मेंस और आउटकम। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा, एक्सपेक्टेंसी दैट मींस की एफर्ट्स, इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब हमारी परफॉर्मेंस, और बैलेंस यानी कि हमारा जो रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। कैन आई हिट माई टारगेट इफ आई वर्क हार्ड, ये एक क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछते हैं, कैन आई हिट माई टारगेट इफ आई वर्क हार्ड, दैट मीन्स कि क्या मैं इतना वर्क हार्ड करूं कि मेरा टारगेट हिट कर जाऊं, कर सकता हूं क्या? तो ये हमारा एफर्ट्स है, ठीक है, ये हमारे एफर्ट्स हैं। हमारी परफॉर्मेंस, विल हिटिंग माई टारगेट्स लीड्स टू रिवॉर्ड, ये एक और क्वेश्चन आ गया कि जो मैंने अपना टारगेट हिट कर लिया है तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हमारी परफॉर्मेंस हो गई कि भाई हमने अपना परफॉर्मेंस दिया है। रिवॉर्ड क्या कहता है, डू आई फाइंड द रिवॉर्ड्स डिजायरेबल, क्या मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा जो मैं वाकई में डिजायर करता हूं। तो इस तरह से ये बैलेंस हमारा होता है। अब जैसे बैलेंस में हम ये डू आई फाइंड रिवॉर्ड डिजायरेबल ये क्यों बोला गया है, अभी हम आगे भी देखेंगे। कि मान लीजिए मैंने जितनी भी मेहनत की है वो इसलिए की है कि मुझे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ बेनिफिट मिले, आई वॉन्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स, बट मेरे बॉस ने, दिस इज माई डिजायर, ये मेरी डिजायर है, बट मेरे बॉस ने क्या किया कि मुझे टाइम ऑफ दे दिया, ठीक है, टाइम ऑफ दे दिया कि चलो भाई तुमने काम बहुत किया है, मैं आपको 3 डेज का ऑफ देता हूँ कि आप अपना आराम करो, या फिर कोई हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड करा दिया, तो दैट काइंड ऑफ उन्होंने मुझे दे दिया। बट दिस इज नॉट माई डिजायर थिंग, जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, ठीक है ना। आई वॉन्ट द मॉनिटरी बेनिफिट कि जिससे मुझे आगे भी हेल्प मिले, है ना, कि भाई मैंने कुछ रिवॉर्ड मुझे मिले, मुझे इंसेंटिव मिले, मुझे रिवॉर्ड मिले, मुझे प्रॉफिट मिले। तो वही चीज यहाँ पर भी ये बता रहा है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यही बताती है कि इंसान किससे मोटिवेट होगा। अगर उसको मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है तो वो ज्यादा मोटिवेट होगा एज कम्पेयर टू अगर खाली टाइम ऑफ मिल रहा है तो, ठीक है ना। तो यही चीज यहां पर भी बताई जा रही है। अभी देखो, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस, इन सबको मिलाकर ही हमारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो कोई भी पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो इन तीनों के बेस पर ही उसको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो इक्वेशन है ये आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम में, तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना जरूरी है, जिससे कि एग्जाम में जब ये इक्वेशन पूछी जाए तो आप इसको तैयार रहें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेंसी, तो हमेशा मेहनत इतनी करो, परफॉर्मेंस से ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे तब जाके आप 80% तक पहुंच पाते हैं एग्जाम में, ओके? तो वही चीज यहां पर भी है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, इन दैट केस आप अपने एफर्ट्स पर फोकस कीजिए, है ना, एफर्ट्स पर ज्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस। तो एफर्ट्स को यहाँ पर ई से डिनोट किया गया है, परफॉर्मेंस को पी से डिनोट किया गया है। तो ई जो है ये ज्यादा होना चाहिए, ये जो हमारा क्रोकोडाइल गेम है ना वही वाला यहाँ पर भी आ गया है, दिस इज द साइन ऑफ मोर देन, ठीक है। तो ई जो है वो ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिव टू पी, ओके। वही इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या कहती है, परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए आउटकम केस से ज्यादा, ठीक है ना, परफॉर्मेंस पर आउटकम से ज्यादा फोकस कीजिए। जब एग्जाम में रिटर्न, मतलब जब एग्जाम देने के लिए बैठे हो ना, उस टाइम पर रिजल्ट क्या आएगा ये मत सोचो, बस अपना 100% परफॉर्मेंस दीजिए, ठीक है, अपनी 100% परफॉर्मेंस दीजिए। आपने परफॉर्मेंस दी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिजल्ट, ओके। वही बैलेंस कहता है कि आउटकम पर ज्यादा फोकस कीजिए रिवॉर्ड से भी ज्यादा, ठीक है, आउटकम पर ज्यादा फोकस कीजिए रिवॉर्ड से भी ज्यादा। लाइक रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा वो छोड़ो भगवान के ऊपर या फिर जो भी देने वाला है उसके ऊपर, बस आप अपना आउटकम निकालिए कि आपका आउटकम अच्छा आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NTU UGC NET की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है,
आप अपने एफर्ट्स लगाइए, आप अपनी पूरी तैयारी बहुत जी जान से पूरी तैयारी कीजिए। फिर एग्जाम में जब आप बैठे हुए हैं तो ये तैयारी करना, एफर्ट्स ज्यादा लगाना, ये हमारा एक्सपेक्टेंसी हो गया। फिर एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हुए हैं तो अपनी परफॉर्मेंस 100% देने की कोशिश कीजिए, तो दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटलिटी। वही आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपको जॉब कौन सी मिलेगी, कैसी मिलेगी, उस रिवॉर्ड को छोड़ो, आप अपने आउटकम पर फोकस कीजिए कि व्हाट यू अचीव। ठीक है, आपने क्या अचीव किया आप उस पर फोकस कीजिए, रिवॉर्ड की टेंशन मत लीजिए। तो दैट इज बेसिकली ये थ्री फैक्टर्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली बताया भी गया है कि एक्सपेक्टेंसी इज द बिलीव दैट इंक्रीज द एफर्ट्स विल लीड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। क्या कहना है इनका कि जितना ज्यादा हमारा एफर्ट्स इंक्रीज होगा है ना, और उसी हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। तो हमें अपने एफर्ट्स को फोकस करना है, परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ये कहना है। अब ये कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो इसके ऊपर फर्क डालती हैं, जैसे कि हमारे पास राइट रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, लाइक रॉ मटेरियल, टाइम, हमारे पास राइट स्किल्स होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, हैविंग नेसेसरी सपोर्ट टू गेट द जॉब डन, हमारे जो भी हमारा सपोर्ट है लाइक हमारा ह्यूमन पावर हमारे पास जो है वो होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि विदाउट इट वी कांट एक्सपेक्ट दिस वन। सो एक्सपेक्टेंसी के लिए इन चीजों का होना जरूरी है। वही व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या कहता है कि भाई आउटकम से ज्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए, फोकस ऑन परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए। तो सॉरी, परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए तो आपका जो आउटकम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट यू शुड फोकस ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, लाइक इफ आई डू अ गुड जॉब देयर इज समथिंग इट फॉर मी, लाइक अगर मैंने अच्छा किया तो कुछ तो मुझे मिलेगा ही। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक रिलेशनशिप परफॉर्मेंस और आउटकम के बीच में बताई गई है, और वही रिलेशनशिप यहाँ पर शो की जाती है ना। तो जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो रिगार्डिंग जो भी आप टास्क कर रहे हो तो वो आप अच्छे से करिए, अपना परफॉर्मेंस 100% दीजिए, आउटकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। नाउ देखो ये लिखा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस दैट डिसाइड हु गेट व्हाट द आउटकम, ये कब होगा व्हेन यू गिव योर 100% परफॉर्मेंस। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब आता हूं बैलेंस पर। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट दैट द इंडिविजुअल प्लेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम। जब आप एक किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्या चीज मोटिवेट कर रही है, किसी को पोजीशन मोटिवेट करती है तो किसी को सिर्फ और सिर्फ मनी मोटिवेट करता है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, बैलेंस टू बी पॉजिटिव द पर्सन मस्ट प्रिफर अटेंडिंग द आउटकम टू नॉट अटेंडिंग इट। तो क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है वही हमारा बैलेंस है ना। जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारे आउटकम के बाद में, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन। लाइक इफ समवन इज मेनली मोटिवेटेड बाय मनी, अगर कोई सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट होता है तो ही और शी माइट नॉट वैल्यू ऑफर टू एडिशनल टाइम ऑफ। तो आप अगर बोलो कि हफ्ते में आपको 5 days वर्किंग, 6 days अभी आपका चल रहा है वर्किंग, आपको 5 days वर्किंग होना शुरू हो जाएगा जस्ट एज अ रिवॉर्ड, तो वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, बिकॉज वॉट दे वॉन्ट द मनी, उसको चाहिए कि भाई मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। तो वही चीज है कि क्या चीज है जो आपको जो है वो मोटिवेट कर सकती है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस थ्योरी, या आप जिसे कह सकते हो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसी को ही कहा जाता है। तो ये एक छोटी सा सेशन था आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं यहाँ पर, जो लाइक ये जो आपको सेशन दिया गया है इसमें हर एक चीज कवर की गई है कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर फॉर्म किए जा सकते हैं रिगार्डिंग इक्वेशंस, रिगार्डिंग की बैलेंस, सॉरी आपका जो एफिशिएंसी है, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस है, इन तीनों से मिलकर क्या बन रहा है ना। एफर्ट्स जो है वो किसे कहा जाता है, परफॉर्मेंस किसे कहा जाता है, या फिर जो आउटकम है वो किसके अंदर में आते हैं, ये चीज हमने देखा। हमने इसके एफर्ट्स जो है लाइक एक्सपेक्टेंसी जो है उसके लिए क्या इक्वेशन हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए क्या इक्वेशन हो सकती है, बैलेंस के लिए क्या इक्वेशन होती है, वो हमने देखी। और यही सारी चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट और जो भी हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं आपके कोर्स रिलेटेड वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएंगे।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच, डू शेयरिंग, बिकॉज आप जितना फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. और दूसरा, अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए. ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट. ऑल द बेस्ट.